एक होता है सिद्धांत और दूसरा होता है प्रयोग, जिसे आप लोग कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रयोग सरल होता है तब जब हम सिद्धांत के बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हम ध्यान के लिए आए हैं, ध्यान करने, ध्यान अभ्यास करने। लिखा ही गया है ध्यान शिविर, वह शिविर, वह कैंप जिसमें हम ध्यान संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे और ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो फिर ये जान लेना चाहिए पहले कि हम क्यों करते हैं। मतलब यह है, चलने के पहले हम यह पता कर लें कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं। चलने के पहले हम यह जान लें कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब आप घर से चलते हैं तो ये तय कर लेते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं और फिर चलते हैं। बिना लक्ष्य निर्धारण के आप नहीं चलते। रास्ते में कोई मिले और आप उनसे पूछें आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो इंसान कहे कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे यह अनाड़ी है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। नाव न जाने गांव का, गांव मंजिल, गांव हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल, हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां हम होना चाहते हैं, वो हमारा गांव है। और नहीं जानते तो क्या होगा, भूला मार्ग जाए, वो भूल करेगा मार्ग में चलते हुए। जब कभी चौराहा आए, तिराहा आए या दो रास्ते मिले तो वो असमंजस में पड़ेगा कि मैं इस रास्ते में जाऊं कि उस रास्ते में जाऊं। निर्धारित नहीं है, रास्ते के बारे में नहीं जानता है, वो भूलेगा। फिर क्या होगा, जब सही पथ नहीं मिलेगा तब कांटे कंकड़ सब गड़ेंगे, दुख और तकलीफ होंगे। इसलिए जान लेना चाहिए हम सबको, ये भी ठीक है, एक साधक ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि क्यों करते हैं, यही सब जानने आए हैं, ये भी सच है, गलत नहीं है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए ध्यान के विषय में सिद्धांत क्या है। इस सम्यक जानकारी होने के पश्चात केवल चलना रह जाएगा और न जानने से हम धुंधलके में रहेंगे। लक्ष्य के बारे में सही नहीं जानने से, लक्ष्य का निर्धारण नहीं होने से, उसी प्रकार हमारी दशा होती है जैसे कोई कोहरे के समय गाड़ी चलाए, घना कोहरा हो। ठंडी में कई बार आप लोग अनुभव किए होंगे कि घना कोहरा होता है, रास्ता भी दिखाई नहीं देता है, उस समय जब आप ड्राइव करते हैं तो कितनी कठिनाई होती है ना।
बड़ा कठिन होता है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। बार बार आप शीशा साफ करते हैं पहुँचते हैं, तो वही है धुंधलके में चलना। और रास्ता जब साफ दिखाई दे रहा हो तो आपकी गाड़ी स्पीड से भागती है और जल्दी भागते हैं। तो पहले हमारा रास्ता दिखाई दे हमको, जहाँ हम चलना चाहते हैं, किस रास्ते में चलना चाहते हैं वो जान लेना चाहिए। तो ध्यान के संबंध में अच्छी तरह से जान लें कि ध्यान क्या है, उससे हमको क्या लाभ होता है, क्यों करना चाहिए, सारी बातों की सम्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ध्यान के विषय में हम कई बार सुने होंगे, आप सब सुने होंगे, गुरुदेव जी बिल्कुल सरल परिभाषा करते हैं, कुछ न करना ध्यान है। मन और इंद्रियों से जब आप कुछ नहीं करते वो ध्यान की दशा है। शास्त्रों में भी बात आती है, जैसे सांख्य दर्शन में आया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय का मतलब है पदार्थ। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, अर्थात मन में आप जो सोचते हैं वह न सोचें। क्या सोचते हैं? प्राणी या पदार्थ या कोई घटना। आपको अभी कहा जा रहा है कि श्वास को देखें। क्या कहा जा रहा है? श्वास देखें। तो आप अनुभव किए होंगे कि श्वास देखते देखते आप भटक गए, मतलब श्वास देखना भूल गए और घर की याद आ गई, परिवार वालों की याद आ गई, पत्नी बच्चों की याद आ गई, काम धाम की याद आ गई, अपने ग्राहकों की याद आ गई, और किसी के लेन देन हो तो फिर मन में होगा कि उनसे तो हिसाब चुकता करना था, अब कैसे करूं। अच्छा, अब भी थोड़ा सत्र ख़त्म हो तो फ़ोन करके बात कर लेता हूं। चला गया ना मन। क्या सोच रहे थे? किसी व्यक्ति के विषय में, किसी पदार्थ के विषय में। ये क्या है? सब विषय हैं। और वह जब न हो तो ध्यान है, और इसे ही योग कहते हैं। योग दर्शन की भाषा में कहूँ तो उसका दूसरा ही सूत्र है। पहला सूत्र में तो एक प्रकार से वो एक प्रस्तावना कह सकते हैं या एक वादा करते हैं, एक कि अनुशासन, अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है। अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन। शासन का मतलब है शिक्षा, अनु माने पीछे। योग की परंपरा जो पहले से चली आ रही है उसका मैं अब उपदेश करता हूँ, वो बताता हूँ। और उस महर्षि पतंजलि उसे सूत्रबद्ध किया, जो पूर्व परंपरा में योग की प्रक्रिया चल रही थी उसे उन्होंने सूत्रबद्ध किया। ये तो एक प्रकार से एक संकल्प है और एक वादा है। पहला, उसके बाद जो सूत्र है वो योग दर्श, योग की पूर्ण परिभाषा है। क्या है वो? योगश्चित वृत्ति निरोधः। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि योग दर्शन का जो स्वरूप है वह केवल दो सूत्रों में समाया है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा बताया, योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। फिर क्या होगा? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तब, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम,
तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित होती है। दृष्टा आप हैं जिसको उन्होंने पुरुष कहा है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो फिर पूरे योग दर्शन में इसी का विस्तार किया गया है कि ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और उसका निरोध कैसे करें, ये पूरा विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर तो इतनी सी बात है कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग की कुछ लोग ऐसी भी परिभाषा कर डालते हैं कि जीव का ईश्वर में मिलना योग है। योग माने जुड़ना, योग का अर्थ जोड़ होता भी है, लेकिन योग दर्शन की परिभाषा यह नहीं है कि योग का अर्थ जोड़ हो। वियोग पतंजलि मुने रुक्ते काप पुर्या पूर्वा जयत सौ पुंश प्रकृति योग वियोगो अपि योग इत्यतो यया, यह राजा भोज ने कहा है। योग दर्शन की महिमा में उन्होंने कहा है कि महर्षि पतंजल की योग दर्शन की जय हो। उसमें क्या है, योग वियोग को ही योग कहा है। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं उन्होंने, वियोग को ही योग कहा है, वियोग। और गीता में उसका और स्पष्टीकरण है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग योग है। अर्थात हम दुख नहीं चाहते और हमारे जीवन से जब दुख का पूर्ण खात्मा हो जाता है, पूरा वियोग बिल्कुल, जैसे हम लोग सुन रहे थे दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई संतोष सहज समाधि बली, ये वही बात है पूर्ण रूप से निवृत्त। तो जुड़ना नहीं है किसी परमात्मा में, किसी लोक में, कुछ नहीं, बिल्कुल अकेलापन, आप जो हैं उसमें स्थिति, अपने आप में रह जाना, ठहर जाना। जिसको सदगुरु ने कहा है कि दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु जिसको खोज रहे हो वो ठौर है, आपका रूप है, इसलिए कहीं जुड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। ये हम अच्छी तरह सिद्धांत को समझ लें, नहीं तो यहाँ बैठकर भी कल्पना करेंगे भगवान कब दर्शन देंगे, वो चतुर्भुज रूप में आएंगे कि बंसी बजाते हुए आएंगे, कि धनुष लेकर के आएंगे, कि त्रिशूल लेकर के आएंगे, कि निराकार रूप में आएंगे, कल्पना करते रहेंगे और वो आने वाले जाने कुछ नहीं है और उसी में समय बीत जाएगा। या फिर आत्मा, आत्मा साक्षात्कार होता है, कहते हैं ये आत्मा किस रूप में मिलने वाला है, जैसे उपनिषद में कहा है अंगुष्ठ मात्र, वो सब एक ढंग है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दृष्टा है, वो दृश्य में कैसे आएगा। इसलिए कभी भी चेष्टा करके ना बैठें आकांक्षा करके कि अब आत्मा का दर्शन करने बैठ रहा हूँ, एक डिवाइन लाइट, कोई दिव्य ज्योति दिखने वाली है, अरे कुछ नहीं, आप चुप बैठें बस किसी प्रकार अपेक्षा किए बिना। तो मैं कह रहा था ध्यान का मतलब है कुछ न करना, और सही कहूँ ना एक और बात तो यह है कि जब आप कहीं ध्यान न लगाएं तो ध्यान हो गया, कहीं ध्यान न लगाएं बस वो ध्यान की पूर्णता है, उसको कहेंगे समाधि। फिर क्या कहेंगे, समाधि। ध्यान लगाने का मतलब आप वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, मतलब आप श्वासों में ध्यान नहीं दे करके अपने घर पर ध्यान दे रहे हैं, कामकाज के लिए ध्यान दे रहे हैं, घटनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, कहीं ध्यान न करें बस हो गया काम। इसलिए हम चलने के पहले जान लें कि कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहीं नहीं, बस पहुँचने की कोई चेष्टा नहीं, अपने आप में स्थित ठहर जाओ, विश्राम।
तो शरीर तो विश्राम कर रहा है, शरीर तो स्थिर हो गया, वाणी भी शांत है, दौड़ क्या रहा है? मन। क्या दौड़ रहा है? मन। इसीलिए मैंने अभी जो साखी कही, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। मन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है सुख के लिए, शांति के लिए, तमाम लोगों से संपर्क साधता है, फिर वहीं वहीं जाता है, जबकि वो दशा क्या है? एक्शन लेस, क्रिया रहित। और हमारा मन सक्रिय है एकदम, क्रिया क्रिया क्रिया, इतना अभ्यास हो गया है कर्म के लिए, कर्म करने का, कि अकर्म की दशा में रहना उसके लिए असंभव सा हो गया है, मुश्किल है, ठहर नहीं पा रहा है। तो शरीर को हम जबरदस्ती यहाँ बैठा दिए और वाणी को कहे चुप, और बार बार कहा जा रहा है मत बोलो मत बोलो, तो ताला लगा दिए। क्या मन को भी ठहरा पाए हैं? मन से कहते हैं कि चुप रहो, मन कहता है अच्छा तुम बैठो ध्यान करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मन क्या कहता है? तुम बैठो यहाँ ध्यान करो, मैं ज़रा टहल के आता हूँ, ज़रा हिसाब लोगों का खोज खबर ले आऊँ, और चला जाता है। ऐसे नहीं होता है। साहब ने क्या कहा है? तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। बीजक में आया क्या है? तन मन एक होए रहे। यहाँ का भाव है जहाँ आपका शरीर है आप वहीं रह जाएं, बस ठहर जाएं, पूर्ण रूप से विश्राम, तब आप हंस दशा में पहुँचते हैं। नहीं तो फिर नहीं कहना चाहिए कि बगुला के दशा में हैं, मछली ढूंढ रहे हैं, मेढक ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर के मन अपना आहार ढूंढता है। आहार क्या है? वही विषय, विषय ही उसका आहार है और कुछ नहीं है। और जितनी उसको खुराक मिलती है उतना वो मजबूत होते जाता है, बलवान होते जाता है। अब क्या हम करें? उल्टा मन को कहते हैं मत सोचो, तो वो कम मजबूत नहीं हो गया, इतना बलवान हो गया है कि आपकी शक्ति को वो की परवाह नहीं करता है, आपको ढकेल देता है। बड़े आए ध्यान करने वाले, बैठ दो हम चल के आते हैं, चला जाता है। ये अनुभव करते होंगे ना, सबका अनुभव है। तो फिर हम कहते हैं ठीक है न रुको, लेकिन एक काम करो, वो काम न करो दुनिया देखने का। क्या काम करो? श्वास को देखो, थोड़ा काम मिल जाता है उनको। ये महात्मा लोग उदाहरण बढ़िया देते हैं। एक आदमी था, उसके पास काम बहुत था, बहुत काम। महात्मा के पास गए, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ। कि क्यों? अरे काम इतना है कि मैं हैरान हूँ, आप कुछ मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस काम से छुट्टी पा जाऊँ। महात्मा ने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, तो ठीक है एक शैतान मेरे पास है, तुम ले जाओ, और वो काम करने बड़ा उस्ताद है, सब काम कर देगा तुम्हारा। कहा बड़ा महाराज जी बहुत अच्छी बात है, वो दे दो मुझे। कहा हाँ दे तो दूँ, लेकिन एक कठिनाई है उसमें। क्या? यदि उसे काम नहीं मिलेगा तो तुम्हें खा जाएगा। अरे महाराज उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, काम इतना मेरे पास है, आप दो तो सही। कहा ठीक है, दे दिया एक शैतान, ले आया कि चलो मेरे साथ, ले गया। तब कहा काम बताओ। तब फिर क्या कहा उन्होंने? ऐसा करो जाओ पूरे गांव की सफाई कराओ, सारी गलियों को झाड़ एकदम साफ सुथरा कर लो। गया और बस कुछ मिनटों में ही साफ करके आ गया। अब पहले ही बार में वो घबराया, अरे बड़ा कठिन है, बड़ा बहुत बड़ा काम था, बहुत जल्दी कराया। फिर काम बताया, खेत में जाओ ये करो, और घर का तमाम काम बताया, सब फटाफट वो कर देता था। काम बताओ मैं खा जाऊंगा, बहुत परेशान हुआ। फिर कुछ काम बताया, चला गया। अबे दौड़े महात्मा के पास, अरे महात्मा जी वो आप शैतान को वापस कर लीजिए, बहुत कठिनाई होगी मेरे लिए। मैंने कहा था कि नहीं नहीं उपाय बताइए, नहीं खा ही जाएगा। तो ऐसा करो उनसे कहो एक बांस काट ले। सब बता दिया कैसे कैसे करना है। आया फिर आ गया वो, एक काम बताओ। कहा ठीक है जाओ उस बाग से एक मोटा सा बांस काट के लाओ, बड़ा सा काट के ले आया। कहे इसको गाड़ो जमीन पर, जमीन में गाड़ दिया।
फिर कहा कि जब खड़ा हो गया आप काम बताओ। उन्होंने कहा इस बांस में चढ़ो ऊपर और फिर नीचे आओ, तुम चढ़ते उतरते रहो, तुम्हारा यही काम है, और जब फिर काम होगा तो मैं बताऊंगा, तब तक तुम क्या करो, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, छुट्टी नहीं अब ना, क्या कह दिया, चढ़ो उतरो बस, अब काम ही है, कब तक करे, करते रहो। इसी प्रकार से हम क्या काम बता रहे हैं, श्वास को देखो, सांस आ रही है सांस जा रही है, काम मिल गया ना, मन को काम मिल गया, अब तो फिर आपको खाएगा नहीं वो, कम से कम इतनी तो सुरक्षा है, नहीं तो बाहर वो खाए जा रहा है, तो आप उसको काम दे दिए, और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे फिर से काम में ले लीजिए। लेकिन यह पूर्णता नहीं है, ये ध्यान की पराकाष्ठा नहीं है कि केवल आप श्वास को देखते रहें, मतलब अटक के हैं कहीं ना कहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे ये खूंटा है, खूंटा अटकाने के लिए। तब कुछ लोग प्रश्न क्या करते हैं, श्वास को भी देखना जब बंद कर देना है, ये भी छोड़ देना है, तो फिर हम श्वास को क्यों देखें, वह दिखाइए ना जो देखना है, क्या होता है, वह करवाइए जो करना है, अंत में श्वास छोड़ देना है, क्या मतलब फिर श्वास देखने से, पहले ही छोड़वा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको छत पर जाना है तो कैसे जाएंगे, उछल के नहीं जा सकते, क्या करते हैं, सीढ़ी पर। तो सीढ़ी से जब आप जाते हैं तो दो काम करने होंगे छत पर जाने के लिए, क्या, सीढ़ी में चढ़ना होगा, सीढ़ी में आप चढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, अंत में सीढ़ी को छोड़ देंगे, दो काम हुआ ना, सीढ़ी पर चढ़ना और सीढ़ी को छोड़ना। आप कहेंगे जब छोड़ना ही है सीढ़ी को तो हम चढ़े क्यों, ये तर्क ठीक नहीं है आपका, आपको चढ़ना और छोड़ना दोनों है। आपको यहाँ से जाना है रायपुर, मुंबई, बड़ौदा या फिर फारबिसगंज, कहीं भी जाइए आप, तो क्या करेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, क्यों बैठे हैं, उतरने के लिए। कोई कह सकता है मैं तो बैठे रहने के लिए हूँ, ट्रेन में क्यों बैठे, उतरने के लिए, और तभी तो घर पहुँचेंगे, अब ट्रेन में बैठ के नहीं उतरेंगे, बैठे रहिए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, घर वाले आएंगे चलो चलो को एक पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर क्या है, ट्रेन में बैठना है ट्रेन से उतरने के लिए। ऐसे ही हम श्वास का एक सहारा लेते हैं, एक आधार, एक अवलंब लेते हैं, क्यों, पार हो जाएंगे फिर आप छोड़ देंगे। नदी पार करने के लिए हम नौका में बैठते हैं, और जब नदी पार हो जाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि नौका हमको पार लगाई है तो उसे हम अपने सिर पर रखकर घूमें, नौका को नमस्कार, आपने पार लगा दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नौका छोड़ के आगे बढ़ गए। ऐसे ही है ये, कोई भी जो क्रिया योग है सब आधार हैं, जैसे मैंने कहा वह क्रिया जो योग में सहायक हो, श्वास जो देख रहे हैं वो क्या है, क्रिया योग है। क्रिया योग आप जब कभी ध्यान क्या है पढ़ेंगे, या जो पढ़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, गुरुदेव जी कई बताए हैं, इसको कहते हैं इस स्वर योग, जो अभी कर रहे हैं श्वास वाला स्वर योग है। दृष्टि योग का मतलब है बंद आँखों में जो दिखाई दे, आँखें बंद कर लें, अब आँखों को जब बंद करेंगे तो फिर आँखों की गर्मी होती है, अंधकार प्रकाश बदलते रंग, ये आप प्रयोग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप करना चाहें तो करेंगे। और किसी कोई कोई कहते हैं हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं एक उपाय बताता हूँ, अपनी उंगलियों को दोनों आँखों के पलकों के ऊपर थोड़ा से रखें, आँखें बंद करके ऊपर पलकों में, और थोड़ा सा प्रेस करें, थोड़ा सा हल्का सा दबाओ, तो क्या होगा, तब आपको अनुभव हो जाएगा हाँ ये है कह के। ये भी एक प्रकार से
मन रोकने का साधन है, तो उसी को देख रहे हैं, बदलते रंग तमाम जैसा भी दिखता हो, अंधकार प्रकाश जो भी, या मिलित अंधकार प्रकाश, यह भी मन को टिकाने का एक ढंग है। या फिर साकार योग जिसे कहते हैं, कोई महापुरुष की याद करिए, अपने इष्ट की याद करिए, वीतराग विषयम व चित्तम। योग दर्शन में बहुत से उपाय बताए, उसमें से एक उन्होंने कहा वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग, जिसके राग समाप्त हो गए हैं, अर्थात वैराग्यवान पुरुष हो, उसकी याद करिए। जैसे अपने इष्ट, अपने गुरु, सद्गुरु की याद किए और उसी में मन लगाए हैं, उनके चित्र की ही याद किए जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो भी मन ठहरा कुछ देर के लिए। अंत में ये पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये सब का खात्मा हो जाए साक्षी की साधना में और हम अपने आप में लीन हो जाएं। ये है राजयोग, यही है सहज समाधि, यही है सहज ध्यान। इस संबंध में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि सहज समाधि के लिए कैसे साक्षी की साधना करें। अभी कम से कम 3 या 4 दिन हम क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास संसार के कामों में ज़्यादा है, संसार की याद हम ज़्यादा करते हैं, उसी का अभ्यास है, और उसको मोड़ना एक उल्टी चढ़ाई है, तो बड़ा कठिन लगता है। हम बार बार चाहते हैं उसको मोड़ें, फिर फिसल जाता है, फिर फिसल जाता है। लेकिन आप घबराएं ना बिल्कुल, यदि आप घबरा गए तो काम बिगड़ा। आपको करना है और ये काम हो जाएगा। सभी साधक फिर से ध्यान की स्थिति में आए, ध्यान मुद्रा में बैठें, अभ्यास के लिए फिर से आप अपने आप को नियोजित करें। श्वास देखना क्यों जरूरी है ये मैंने बताया, और भी बताऊंगा मैं ये क्यों जरूरी है, आगे बताऊंगा कि क्यों आवश्यक है। अभी तो केवल इतना ही समझे कि यह मन को अटकाने का एक आधार है, खूंटा है। जैसे एक बछड़ा हो गाय का, हम इस परिसर में छोड़ दें, आश्रम परिसर में छोड़ दें, चारों तरफ बाउंड्री वाल है, दीवार है, तो क्या करेगा, वो भागेगा, तो कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस सड़क पर भागेगा, तो बड़ा कठिन है उसको पकड़ना, चारों तरफ भाग रहा है। अब हमने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांध दिए और एक खूंटे में अटका दिए, तो रस्सी तो लंबी है, अब वो कहाँ भागेगा, अभी भागेगा, लेकिन कहाँ, उस खूंटे के चारों ओर जितनी लंबी है रस्सी, बस उसी में वो दौड़ेगा, तो उसको पकड़ना सरल है। तो ऐसे ही ये मन के लिए खूंटा है, श्वास एक खूंटा है, तो श्वास देखना है। आप लोग श्वास प्रेक्षा करें, देखें श्वास आ रही है जा रही है। बड़ा सरल अभ्यास है, शरीर में तनाव न हो इसका हर बार ध्यान रखा जाए, हर बार ध्यान रखा जाए। चेहरे में भी तनाव न हो, कोई शिकन न हो, कोई अपेक्षा ना हो मन में, आप जो है वह देख रहे हैं, आपके शरीर में जो है। ये कोई काम है जिसमें आप थके जा रहे हैं, काम कुछ नहीं है लेकिन थक रहे हैं सब लोग, हाथ पैर टूट रहा है, कई लोग तो अभी से पछताना शुरू कर दिए, अरे कहाँ कहाँ आ गए। आप पछताएं ना, अब मेहनत करेंगे तभी तो पहुँचेंगे, तभी तो सफलता मिलेगी। तो पैर में दर्द हो सकते हैं, हाथ में भी दर्द हो, पीठ में दर्द हो, ये सब अभ्यास की कमी के नाते है। सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। सांस आ रही है जा रही है, आप देखें बस,
अब प्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है। साधना क्या है? अब प्रयत्न के लिए प्रयत्न, कुछ न करने के लिए करना है। ये उल्टा लगेगा लेकिन है ये सच। कुछ न करना है तो कुछ न करने के लिए कर रहे हैं। क्या? श्वास देख रहे हैं, बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, ये करना है। लेकिन क्यों बैठे हैं? कुछ न करने के लिए। ये ध्यान रखो, मैं कुछ न करने के लिए बैठा हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे। लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं? चूँकि अभी वो शक्ति नहीं है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। प्रपंच से हट करके श्वास देख रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है। मैंने बताया दो जगहों में इसका अनुभव कर सकते हैं। एक तो नासिका के अग्रभाग, अनुभव हो रहा है ना, नाक की दीवार से स्पर्श करते हुए हवा अंदर जाती है, और उस समय जब जाती है तो कुछ उसमें ठंडकता होती है, और जब बाहर निकलती है तो आप कुछ उष्मा का अनुभव करते होंगे, कुछ गर्म हवा जैसे आ रही है यह अनुभव करते होंगे। ख्याल करेंगे तो सब होगा, नहीं तो सारे श्वास फालतू चले जाएंगे। ये गाते नहीं हैं श्वास श्वास में नाम लो वृथा श्वास नहीं जाए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। ये श्वास श्वास में नाम लेने का मतलब यही है, अर्थात श्वास में आप सजग हैं, देख रहे हैं सांस आ रही है जा रही है, बस बिना मेहनत के। इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है, सावधानी। सावधानी ही साधना है, गुरुदेव जी का सूत्र है, सावधानी ही साधना है। असावधान हुए मन फिसला फिसला फिसला, और जैसे ही सावधान हुए मन आपके नियंत्रण में है। आपने कहा सांस को देखो, देख रहा है सांस आ रही है जा रही है, बस सीधे बैठो, कमर झुका के न बैठो, सिर झुका के न बैठो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। आगे जानते हैं ना, मुस्कुरा के जियो, चाहे वो गम का भी दौर आए तो भी मुस्कुरा के जियो। क्या सर झुका के बैठना है? कहीं बैठो सीधे बैठो,